छोड़ा था वहीं शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत, एक आयताकार खेत आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, उस आयताकार खेत के बारे में बात होगी। तो किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका क्या आंसर आने वाला है इसका। देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते हैं। तरीका नंबर एक क्या है कि आप सिंपली एक आयत बनाएं, ये आयताकार खेत हो गया। बहुत बड़ी क्या बात है, बहुत ही तेजी से जवाब। और ये हो गया आपका इसका डायगोनल, उसने कहा है इसका विकर्ण 17 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है, अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो आप सभी जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आपको ये निकालना है। आपको परिमाप दिया, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर इन टू इंटू एल प्लस बी, ये आपको गिविन है। और साथ में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। तो यहां पर तीन चीज है, अब आप अपने फॉर्मूले में पुट करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी आपके पास होता है, आप आसानी से इस तरीके से भी इसको बीट कर सकते हैं कि आप इसमें पुट करेंगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपको देगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b। अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं, तो आप देखिएगा यहां पर एल प्लस बी आपको पता है, दैट इज इसको इधर भेज दें तो इट वुड बी 23, है ना। तो 23 पर यहां पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आप यहां पर रखेंगे एल प्लस बी 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 17 स्क्वायर प्लस 12b। अब यहां पर आप एल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 12b कर देते हैं, तो 23 का स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ये तो बचपन से पढ़ा है फॉर्मूला कि 2lb इज इक्वल टू 23 प्लस 17 इंटू 23 माइनस 17। अब देखे तो ये कितना हो गया 40, ये हो गया 6। अब lb का वैल्यू निकालोगे तो बटा दो कर दोगे, दैट इज 20, 120। तो इस क्योंकि lb इज इक्वल टू क्या निकालना था, पद क्षेत्रफल, वही हमें दे दिया गया है। तरीका नंबर एक तो ये था। तरीका नंबर दो ये, अगर आपने स्मार्ट में मेरे लेक्चर लिए हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते थे। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट की हेल्प से भी कर सकते थे। ट्रिपलेट जानते हैं ना कि जब ये ऐसे विकर्ण डाला, तो सपोज ये बी था ये एल था, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ ऐसे, और समकोण त्रिभुज में ये बी है ये एल है। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज का विकर्ण 17 होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम में आप ट्रिपलेट की हेल्प से जान सकते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई 5, 8, 15 और 17, ये बनता है ट्रिपलेट। 17 यहां पर ऑलरेडी है, तो आप ट्रिपलेट की हेल्प से पता लगा सकते हैं विदाउट किसी फॉर्मूले कि आपको इसका कर्ण 17 है। और उसको वेरीफाई कैसे करें, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर ये आपने 15 लिखा और ये 8 लिखा, तो 15, 8, 23, 2, 40, तो आपको परिमाप भी मिल गया, तो आप ऑरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा 8, 15, 8, 120 मीटर स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। चॉइस ऑलवेज बी ऑर्स। एक और सवाल, चलिए, सुमित के स्कूल में एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है, वह प्रतिदिन उस मैदान के 6 चक्कर लगाता है। यदि उस मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 45 मीटर है, तो उसके द्वारा प्रतिदिन तय की गई दूरी कितनी होगी। यानी सुमित, इन सुमित स्कूल हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ग्राउंड, ही मेक्स 6 ट्रिप्स टू द ग्राउंड एवरी डे। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ग्राउंड इज 45 मीटर, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट पर डे विल बी वॉट। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखूंगा इसको कैसे कर सकते हैं आप। तो आप सभी जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज, यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल नुमा उसका मैदान है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। उसने कहा 45 इसकी एक भुजा है, तो सारी भुजा 45 की ही होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल उसने स्टार्ट किया यहां से, तो अब वो यहां से दौड़ना शुरू करता, तो यहां गया यहां गया यहां गया, तो उसने एक पेरीमीटर, यानी उसने ट्रायंगल का जो ट्रायंगुलर शेप थी उसका पेरीमीटर कवर कर दिया। और पेरीमीटर क्या होता है, आपने क्या काम किया, तीनों को जोड़ दिया, तो यानी या 3 × 45 इट विल बी 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 135। तो 135 मीटर की वो दूरी एक चक्कर में तय करता है। उसने कहा 6 चक्कर लगाने हैं, तो 135 में 6 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हुआ, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18 और 3 = 21, 6 × 6 = 2, 8, 810 मीटर। सही जवाब 810 मीटर। मेरा वॉइस आ रहा है, आपके जवाब कम आ रहे हैं।
810 मीटर का वो मैदान था जिस पर सुमित चक्कर लगा रहा था, जिन टोटल दूरी उसने कवर की 6 चक्कर में वो 810 मीटर की होगी। इज इट क्लियर? वेरी गुड, समझ में आ गया सभी लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ और देखते हैं नया सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ये रहा। हेंसन के अनुसार, क्योंकि एम्पीटेट भी इसमें हम ले रहे हैं, रीट भी ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ा पैडागॉजी के भी जो टर्म्स हैं उनको हम यूज करेंगे। हेंसन के अनुसार कक्षा को उद्देश्य से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्रियों की विविधता अत्यंत आवश्यक है, किसका है? समझना इस बात का क्या है कि हेंसन के अनुसार शिक्षा कक्षा के उद्देश्य से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए, यानी आप जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं क्लास के उनको सही से बच्चों को समझाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसमें जो विविधताएं हैं, जो उसमें डाइवर्सिटी है, वो बहुत आवश्यक है। ये किसका स्टेटमेंट है? इकाई पाठ योजना की विशेषता है, मूल्यांकन का आधार है, इकाई योजना का स्तर है, या फिर इकाई पाठ योजना का अर्थ है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बता दें हेंसन का पाठ योजना बहुत ही फेमस है और हेंसन ने पाठ योजना की फीचर्स को बताते हुए नहीं, उसने यूनिट जो लेसन है, जो लेसन यूनिट लेसन है उनकी फीचर्स को बताते हुए ये बात कही थी। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर एक कि हेंसन के अनुसार जो खाई पाठ योजना है उसके ये उसकी विशेषता है कि बालक अगर आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी रखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल में तो बच्चा अपने कक्षा के उद्देश्यों को सही से प्राप्त कर पाएगा। क्लियर है? एक और, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि क्यों बना सकता है उसकी योजना? एक, क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए अति आवश्यक है। आकार किसी भी वस्तुकला का अभिन्न अंग होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। वह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण पर कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर भी होगा। तो यहां पर देखते हैं आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना एक बालक बना सकता है, एक टीचर बना सकता है, वो किस लिए करता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बता दें आपको इसका सही जवाब। क्योंकि देखो क्षेत्रवार सीबीएसई ने अनुशंसित किए गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होने चाहिए, लेकिन वहां पर बोला गया आकार पढ़ाना है और आकार पढ़ाने का मतलब होता है कि उसको शेप्स पढ़ानी है। शेप्स पढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप जब किसी भी ऐतिहासिक भ्रमण बच्चे को लेके जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि ऐतिहासिक भ्रमण पर जब बच्चा आकार शेप्स को पढ़ेगा तो वो गणित को जोड़ेगा उसके साथ। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि आकार किसी भी वस्तुकला का अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि जिसमें भी आप वस्तुकला बनाएंगे, जो भी चित्रकला मूर्तिकला बनाएंगे, उस चित्रकला मूर्तिकला में जो शेप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए जब बालक को आप बाहर लेके जाते हो तो उसके आपसी संबंध जो है वो बढ़ते हैं। चार नहीं होगा, गलत है चौथा जवाब, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके ग्रेट, बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ और देखते हैं नया सवाल क्या है। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सवाल देखते हैं सवाल क्या है। सॉरी, नेहा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है, उदाहरण के लिए वह 3+2=5 अथवा 4+1=5 अथवा 2+7=9 या 3+6=9 ऐसे कर सकती है, तो वह संख्या के किस विकासात्मक अवस्था पर है? परिमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, संक्रिय अवस्था या गुणनखंडी अवस्था। नेहा कैन एक्सप्रेस नंबर इन वेरियस वे, फॉर एग्जाम्पल 3+2=5 एंड 4+1=5, 2+7=9 और 3+6=9। At what developmental stage is that number? और वो किस अवस्था पर है? क्वांटिटेटिव स्टेट, डिविजनल स्टेट, ऑपरेशनल स्टेज या फिर फैक्टर स्टेज, फैक्टराइजेशन स्टेज। तो आपको बता दे थोड़ी सी कहानी इस बारे में। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक लड़की, एक बालक, एक बच्चा एक संख्या को विभिन्न तरीके से प्रयुक्त कर सकता है, जैसे उसने कहा 5 को मैं 4+1 लिख सकता हूँ,
मैं 3+2 भी लिख सकता हूँ। तो वो क्या है, वो ऑपरेशनल स्टेज है, यानी वह उस पर ऑपरेशन का प्रयोग कर रहा। ऑपरेशन जानते हैं कौन से होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब ऑपरेशन हैं। तो वह संक्रियात्मक अवस्था यानी ऑपरेशनल स्टेज पर होगा। अभी आपको मैं सारे स्टेजेस बता देता हूँ जिससे कि सवाल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। परिमाणात्मक अवस्था होती है जहां बालक जानता है ये क्या बना, उसने बोला ये तो दो बना है। आपने कहा मैं ऐसे दो पिक्चर बना, तो बच्चे से बोले ये क्या, वो बोले दो मैंगो हैं। तो यानी वो उन चीजों की क्वांटिटी को जो निर्धारित कर लेता है, उसका वैल्यू जानता है, वो परिमाणात्मक अवस्था होती है। विभाजनात्मक अवस्था होती है कौन सी, उसको भी सुन लो। विभाजनात्मक अवस्था में हमेशा मानते हैं कि हम भाग देने की बात करते हैं, लेकिन नहीं, विभाजनात्मक अवस्था भाग देने की अवस्था नहीं है। यहाँ पर बालक संख्याओं को उसके जो कंपोनेंट्स हैं, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन में तोड़ता है। जैसे आपने लिखा 835, तो इस अवस्था में बच्चा इस 8 को उसके स्थानीय मान यानी 800 प्लस 3 को 330, हेलो मोनिका, प्लस 5 को ऐसे लिख सकता है। तो जब वो ऐसी अवस्था में बच्चा संख्या को कंपोनेंट्स में तोड़कर सुनना शुरू कर देता है, उस अवस्था को कहते हैं विभाजनात्मक अवस्था। और गुणनखंड की अवस्था अगर हम बात करते हैं तो मैटर आता है फैक्टराइजेशन स्टेज। तो फैक्टराइजेशन स्टेज में बालक करता तो ये, लेकिन वो 6 को 2×3 लिखता, वो प्लस का प्रयोग नहीं करता, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, संक्रियात्मक अवस्था इसका एकदम सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छा लगा, एक और सवाल लेते हैं फिर और देखते हैं एक नया सवाल आपके लिए क्या कहता है, क्या बताता है और क्या समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृतियां किस ओर संकेत करती हैं? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नमस्कार सभी को मेरा। तो राष्ट्रीय NCF राष्ट्रीय रूप पाठ्यचर्या की रेखा होती है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर आपको जवाब देना था। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी। तो आपने जवाब देना का शुरुआत की और मुझे जवाब दिया भी आप लोगों ने, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में जो उल्लेखित गणित की लंबी आकृतियां, लंबी आकृति में लॉन्ग फिगर्स या आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो देखते हैं आपका जवाब यहाँ पर मुझे कैसे प्राप्त होता है, लेट्स सी। तो गणित की लंबी आकृति जो संकेत करती है वो करती है किस पर, 1, 2, 3, 4 पर, राइट ऑप्शन इज 4। क्योंकि अगर आप गणित की लंबी आकृतियों का निर्माण ऐसे करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, आपने गणित की लंबी आकृति यहाँ पर ऐसे बनाई और आपने इसमें एक, अब तो ये सिर्फ आयत है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी तो ये क्या बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। तो यानी एक संकल्पना थी आयत की, उस पर जैसे ही आपने आकृति को लंबा किया, बड़ा किया, तो वैसे ही एक्सपेंड किया, वैसे उसमें एक संकल्पना ने ओरिजिन लिया जो ट्रायंगल की संकल्पना बन जाती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एकदम सही जवाब है। देखते हैं एक नया सवाल और क्या मिलता है इसका जवाब, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन गाइस। ये रहा अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। अबेकस आप सभी देखते हैं, सभी जानते हैं, अबेकस का यूज भी सब जानते हैं। तो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है, ये आपको बताना है। 1, गिनती सिखाने में, 2, बोलना सिखाने में, 3, लिखना सिखाने में, ये 4, हस्तलेखन सिखाने में। तो गणित का में जो अबेकस सब जानते हैं ना, अबेकस को तो सब जानते हैं, जिसको गिनतारा भी हिंदी में कहा जाता है, वो कुछ इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है जिससे बच्चा अपनी अवधारणाओं को सत्यापित भी करता है और उसे सीखता भी है। इसके अंदर ऐसे ऐसे 9 बॉल्स होते हैं और हर किसी में 9 बॉल्स आपको लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और बच्चा इससे राइट साइड और लेफ्ट साइड करके गिनती को सीखता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं अबेकस की, तो अबेकस हमेशा बालक को गिनती सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि बोलना और लिखना या राइटिंग स्किल्स के लिए, ठीक है ना। हेड राइटिंग के लिए नहीं सिखाया जाता, वो सिखाया जाता है आपको बोलने के लिए। वेरी गुड, आसान सवाल है। चलो एक और बहुत अच्छा सवाल है, इसका चाहूंगा जवाब मुझे आप लोगों से मिले, और जहां तक मिले वो अच्छा मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल में बहुत सारी गलतियां आप लोग कर देते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में गणित रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है, कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, लेट्स सी। औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक रेखा गणित, एक या दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है आपको बताना है। रेखा गणित में औपचारिक भाग पढ़ाया जाता है, अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है, एक या दो दोनों पढ़ाए जाते हैं, उपरोक्त में से कोई भी भाग नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपको बता दें, जब बालक रेखा गणित की तैयारी शुरू करता है तो कक्षा चार में उसे रेखा गणित ज्योमेट्री में सिर्फ रेखा, किरण और रेखाखंड इनके बारे में परिचित कराया जाता है कि रेखा क्या है, किरण क्या है, वो उनको देख सकता है, समझ सकता है, उनकी परिभाषा जान सकता है। कक्षा पांच में जब बच्चा आता है तो आकृतियों के साथ साथ इन चीजों को, आकृति को ड्रॉ करना भी सीखना शुरू करता है, लेकिन पर्टिकुलर आकृति को। और मैंने आपको बताया भी है कि वॉन हेले के नियम के अनुसार लेवल चार होते हैं जो पांच में डिवाइड होते हैं, जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल, थ्री और फोर। और प्राइमरी कक्षाओं में आप सिर्फ बच्चे को ये दो लेवल पढ़ाते हैं, अपर प्राइमरी में दो और प्राइमरी में ये तीन लेवल, यानी जीरो लेवल विजुअलाइजेशन यानी चाक्षुषीकरण यानी मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन पहला होता है, एनालिसिस, फिर होता है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, और देन औपचारिक, उसके बाद दृढ़ता। तो यहां पर अगर हम बात करें गणित रेखा भी, क्योंकि वॉन हेले साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत था ज्योमेट्री लेवल ऑफ थिंकिंग, तो कैसे कैसे बच्चा सीखता है, तो कक्षा एक से पांच तक वो इन्हीं लेवल को सीख पाता है, जीरो से लेकर दो तक के, इसलिए वो अनौपचारिक स्तर पर ही पहुंच पाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, आपने ज्यादातर ये सोचा, ये लगाया होगा, लेकिन ये नहीं, गलत जवाब है। सही जवाब है अनौपचारिक रेखा गणित। बालक इनफॉर्मल ज्योमेट्री को पढ़ता है कक्षा एक से पांच तक, क्योंकि उसने साफ साफ मेंशन किया है प्राइमरी लेवल पर। एक और सवाल, मोहन गणित अ का अध्यापक है, बच्चों को घर के लिए अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करने के लिए देता है तथा बच्चों को गणित की उपयोगिता बताते हुए कहता है गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। मोहन के द्वारा कहा गया कथन निम्न से किसका है, गैंडन शर्मा, लॉरेन फॉक्स, पार्कर या बेलर्ड। तो देखते हैं आपका जवाब कौन सा मिलता है इसमें से, ये बेलर्ड ने कहा है, पार्कर ने कहा है, लॉरेन फॉक्स ने कहा है या गैंडन शर्मा ने, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन जो है रीट में बहुत, हर पेपर को उठा के देखो कम से कम एक या दो परिभाषाएं गणित की मिली हुई है, किस किस ने दी है, इसी वजह से इंप्लीमेंट किया गया है। तो देखते हैं सही जवाब क्या है, चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सही जवाब। सही जवाब है दैट इज बेलर्ड, ये स्टेटमेंट बेलार्ड का है। तो ये बेलार्ड ने कहा कि भाई जो गणित है, जो गणित का गृह कार्य है, होमवर्क है, तो गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण मतलब वो थोड़ा सा उनको एक गोल की तरफ आकर्षित करना चाहिए जिससे कि वो सीखें। जैसे आपने क्वेश्चन क्लास में करा तो वो थोड़े से अलग क्वेश्चन वहां दिए जाएं, ऐसा उन्होंने कहा, और ये स्टेटमेंट बेलार्ड का था। वेरी गुड। एक और, कक्षा एक और कक्षा दो के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को करवाया जाना चाहिए, गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के तो खुशी लग गई होगी तन में मन में कि भाई गणित को पढ़ाओ ही मत, टेंशन फ्री करो, गणित निकाल दे तो इस कहते हैं कि इस हमारे यहाँ पर जो है बालक 90% पास हो जाएंगे गणित को हटा दिया जाए, लेकिन गणित हट नहीं सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट आपसे सोच रहे हैं ये हो नहीं सकता। क्या है, एनसीएफ कहता है कि जब भी किसी बालक को आप गणित पढ़ाते हैं या उसे समझाते हैं तो गणित हमेशा अन्य विषयों जैसे भाषा यानी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, कला यानी आर्ट, इन सब के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब गणित दूसरे विषयों के साथ समाकलित होता है, इंटीग्रेट होता है, तो बालक वहां बहुत जल्दी से और आसानी से चीजों को सीखना शुरू करते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, वेरी नाइस। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है। चलो देखते हैं उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में आप क्या अंतर समझते हैं। एक, उद्देश्यों का अंतर है। दो, प्रकृति का अंतर है। तीन, कठिनाई स्तर का अंतर है। चार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी व्हाट इज योर आंसर।
हाँ मोनिका, आपको पहले 3 लग रहा होगा लेकिन वो है नहीं 3, हमें लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, किसका 3 कहा, बहुत बढ़िया, 3 नहीं होगा सृष्टि, मैंने पहले कहा था। इसका आंसर देखते हैं क्या मिलता है और जवाब देखेंगे क्या इसका जवाब आप देते हैं जल्दी से। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो देखते हैं सवाल का जवाब क्या था। देखो, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण, इनको डायग्नोस्टिक और अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं, अगर मैं उपलब्धि परीक्षण की बात करता हूं तो मैं समझ लेना मैं योगात्मक मूल्यांकन कर रहा हूं, इवेल्युएशन कर रहा हूं। और इवेल्युएशन का पर्पस होता है कि बालक के सीखे गए क्रियाकलापों की जांच करना और उसमें यह पाना कि बालक ने क्या किया, बालक पास हुआ, बालक फेल हुआ, बालक ने फर्स्ट डिवीजन एक्वायर किया, बच्चे ने थर्ड डिवीजन एक्वायर किया, वो यूपी में टॉप आया, इंडिया में टॉप आया, ये सब उसके उपलब्धि है। जबकि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में बालक की उपलब्धि नहीं गिनी जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में बालक को देखा जाता है कि बालक में कौन सी कमी है, बालक किस कमी से परेशान है, बालक की कमी का क्षेत्र कौन सा है, बालक का जो कमी है वो किस लेवल तक की है, उसका कठिनाई स्तर क्या है। तो इसलिए उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है बालक की उपलब्धियों को गिनना, वही नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बालक में हो रही कमियों का जानना। ठीक है, तो इसलिए उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण की अगर मैं बात करता हूं, हालांकि दोनों टेस्ट हैं, उपलब्धि परीक्षण में भी आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, टेस्ट लेते हैं, ऐसी नैदानिक परीक्षण में भी असेसमेंट करते हैं, वैसे तो सेम है लेकिन इनके अंदर क्या है, प्रकृति तो दोनों की एक जैसी है लेकिन इनके बीच उद्देश्यों का अंतर है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा एक पॉइंट कि मैं क्या बताना चाहता हूं। एक और सवाल, गणित की भाषा के अंग हैं संकेत, संख्या, संख्यांक और चर, सूत्र या ये सभी, पार्ट ऑफ मैथ्स लैंग्वेज इज सिंबल, नंबर्स, फॉर्मूलाज एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये तो आप सब बता देंगे क्योंकि गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ उसमें सभी सिंबल्स का यूज करते हैं, चाहे आप 2 यूज करें वो भी सिंबल है, 4 यूज करें वो भी सिंबल है, आप इसमें प्लस करें, माइनस करें, गुणा करें, भाग, ये सब सिंबल्स है। तो गणित की भाषा सांकेतिक होती है। संख्या, संख्यांक और चर, इन सभी संख्यांकों से मिलकर के, इन सभी नंबर से मिलकर, इन संकेतों से मिलकर कुछ संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे आप लिखते हैं 245, आप लिखते हैं 2x, आप लिखते हैं 5x+9, ये सब क्या है, ये सब संख्या, संख्यांक और चर हैं। और गणित सारा डिपेंड होता है सूत्रों पर, फॉर्मूलाज पर, जैसे a+b² = a² + b² + 2ab। तो ये सभी जो हैं ये गणित की भाषा के अंग माने जाते हैं। क्लियर है, तो राइट ऑप्शन था 4th ऑप्शन, करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी इसका एकदम सही जवाब है। एक और सवाल, चलिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। अब सभी जानते हैं, हम भी आपको स्टार्टिंग से संख्या पद्धति पढ़ाते हैं, तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। 1, संख्याओं को सैकड़ों, ढाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में पूर्णता प्राप्त करना। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में पूर्णता प्राप्त करना या 6 अंकों तक की गणना करना। द ऑब्जेक्टिव इज टू टीच नंबर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd, viewing numbers as hundreds, tens and groups of the 2 units and understanding the significance of local values, possessing proficiency in the sum and subtraction skills of the 4-digit numbers, proficiency in reading skills to large numbers, counting up to 6-digit। तो आप सभी जान रहे होंगे, सवाल का जवाब तो पहचान लिया होगा आपने, उत्तर भी दिया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि कक्षा 3 का बालक स्थानीय मान की सार्थकता को समझना शुरू कर देता है, वह यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस को जानना शुरू कर देता है। हालांकि अगर सवाल का उत्तर मैं पूछूं, यहाँ कक्षा 3 की जगह यदि यहाँ पर कक्षा 2 होता तो सवाल का जवाब बदल जाता, तो ये सवाल का जवाब तुरंत बदल जाता, तब ये सवाल का जवाब नहीं होता, तब क्या होता, तब होता ऑप्शन नंबर 3। अगर क्योंकि NCF के अकॉर्डिंग कक्षा 2 में प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है, कक्षा 2 में स्थानीय मान की सार्थकता नहीं समझाई जाती है, इसलिए
कक्षा दो में बालक छोटी और बड़ी संख्याओं के रूपों से अनभिज्ञ होता है। तो बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल की पूर्णता प्राप्त करना तब होता है जब कक्षा दो है, लेकिन अब यहाँ पर कक्षा तीन है इसलिए ये जवाब गलत है, क्योंकि कक्षा तीन में प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट दिया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर एक। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ग्रेट, बढ़िया। एक और 25वां सवाल। प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए एक विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों यानी मैनिपुलेटिव्स का, प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, या सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। यानी प्याजे, देखो प्याजे ने वाइगोत्स्की के सिद्धांत में रुचि दिखाई और सामाजिकता में सीखना उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, सही सोच रहे हैं आप, मैंने वाइगोत्स्की का नाम लिया तो वाइगोत्स्की से समझ गए होंगे ना, क्योंकि वाइगोत्स्की का था सामाजिकता का सिद्धांत, और बालक समाज में ही रहता है तो वो समूह में काम करता है, वो समूह में डिस्कशन करता है। तो प्याजे का विश्वास नहीं था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, वो सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब सामाजिक अनुदेशन चलता है तो सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चाओं का आयोजन किया जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वेरी गुड, सबको समझ में आया है ना, बढ़िया। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ और अपने दोस्तों तक भी इसको भेजो, जिससे कि आपको इस तरह के नए नए क्वेश्चन डेली 5:30 बजे मिलते रहें। तो मैं चाहूंगा अब इजाजत आप लोगों से, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा अनुमति, इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया सभी का जुड़ने का, टेक केयर। अच्छा लगा हो सेशन तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।